आवाज आ रही है? हर्ष, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाली है? मैम निकाल लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैम? चैप्टर 60। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यस मैम। आवाज आ रही है ना हर्ष? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट। पहला सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज दैट, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। The subject is the that part of the sentence that tells us what the sentence is about. It is noun or pronoun. तो आपका जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वो आपका ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का। हाँ, तब आएंगे तभी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है बेटा? यहाँ से तो जा रहा है। आ गया? यस मैम आ गया। चलो, तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो पार्ट है जो हमें बताता है व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो किस बारे में है, उस पूरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। इट इज अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। द प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस That tells us more about the subject. Subject तो क्या है? Subject sentence तो वो है जो आपको पूरा बताता है कि जो वाक्य है, sentence है, वो किस लिए है, क्यों कहा जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। लेकिन predicate क्या है? Predicate subject के बारे में हमें और knowledge देगा। समझ रहे हो हर्ष? जैसे Priya went to the market. Priya went to the market. तो Priya market गई। यहाँ पर देखिए जो Priya है वो क्या है? Subject है ना? Priya यहाँ पे subject है। तो प्रिया वेंट द मार्केट, यानी कि जो प्रिया है वो सब्जेक्ट है। दूसरा निकालता इसे ही है। तो क्या करना है बताइए? दो पापा को भेजना है आपके। दो भेजना है। म्यूट कर दो, पीछे बातचीत हो रही है उसको म्यूट कर दीजिए। तो प्रिया वेंट द मार्केट, प्रिया मार्केट गई, यानी कि इसमें प्रिया जो है वो सब्जेक्ट है। वेंट टू द मार्केट, जो वेंट टू द मार्केट है ये क्योंकि जानकारी
मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा, फंस रहा है मैम। आज मैम आ गया अब। दे जो है आपका सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन भी है। फिर इन दीज सेंटेंसेस, हाँ इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स इन, हाँ ये जो प्रिया है, अमित, शी, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड अंडरलाइन जो दूसरे जो जो कर रहे हैं वो लोग, जैसे रोड हिज बाइसाइकिल, प्रिया वेंट टू द मार्केट, शी रैन ऑल द वे, ये सारे जो वर्ड्स जो जो वर्ड्स के ग्रुप है ये सारे प्रेडिकेट हैं। फिर द सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट आपका एक वर्ड का भी हो सकता है और एक वर्ड से ज्यादा का भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, The excited children reached to the top of the mountain. अब जैसे the excited children, reached to the top of the mountain, to the top of the mountain. आपको पता चल रहा है कि the excited children, यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, excited children है, reach to the top of the mountain, जो बहुत खुश बच्चे जो थे, excited जो बच्चे थे वो लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए, दिव्या एंड प्रिया वेंट टू सी द न्यू प्ले। दिव्या एंड प्रिया वेंट टू द न्यू प्ले। यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो दो है, दो से ज्यादा भी है, जैसे दोनों आपके सब्जेक्ट है और द एक्साइटेड चिल्ड्रन ये भी आपका सब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया सब्जेक्ट कैन बी वन या फिर टू और मोर वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है, पूरा पूरा एक वाक्य है, उसमें आपके सब्जेक्ट पोजीशन होती है, बिना पोजीशन के हम कोई भी वर्ड सेंटेंस में तो वो फिर मीनिंग उसका गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें समय की पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कंजंक्शन कहाँ पे आएगा, ऑक्सिलरी वर्ड कहाँ पे आएगा। वी जनरली यूज अ सब्जेक्ट इन द एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अक्सर हम लोग आपने देखा कि स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट हमने लगा दिया था, बट समटाइम्स इट कैन कम इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो बीच में आ जाएगा या फिर लास्ट में भी आ जाता है। जैसे द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बीच में है, जैसे द फिशरमैन कॉट अ फिश,
caught a fish, a big fish. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो बीच में आए तो वो कैसे आता है? रिशिता? Yes, ma'am. इतना लेट कैसे हो गई? मैम नहा थोड़ा लेट हो गई. टाइम पता है ना बेटा आपको, तो पहले से सब कुछ रेडी रखा करिए ना. आधी क्लास तो निकल गई. द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश. तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग में है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया आपका सब्जेक्ट जो है वो मिडिल में भी आ सकता है और लास्ट में भी, एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है. जैसे व्हेन विल आवर हॉलीडेज स्टार्ट. When will our holidays start? यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? Our holiday. यहाँ पर our holiday आपका सब्जेक्ट है. जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट का मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी आ जाता है. तो when will our holiday, यहाँ पे holiday की मेन बात हो रही है जो कि आपका सब्जेक्ट है. कब स्टार्ट होने वाला है ये पूछा जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, इन द डस्टबिन ले हिज पेंसिल. हाँ, इन द डस्टबिन ले हिज पेंसिल. इन द डस्टबिन ले हिज पेंसिल. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? पेंसिल्स है ना. यहाँ पे हिज पेंसिल आपका सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द डस्टबिन ले हिज पेंसिल्स, यानी कि डस्टबिन के अंदर उसकी पेंसिल्स डाल दो. तो आपको समझ में आ रहा है कि जो पेंसिल्स है वही आपका सब्जेक्ट कहलाएंगे. आगे देखिए, सब्जेक्ट इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंपेरेटिव सेंटेंस is one of that gives a command or advice or make a request. Imperative sentence kya hota hai? Jo koi command deta hai ya koi advice deta hai ya phir koi request karta hai. To jaise close the door, to close the door humne bola to iska matlab hai ki humne aapko darwaza jo hai door close karne ke liye command kiya ki door ko close karo. Wash your hands, ये एडवाइस दी कि आप अपने हैंड को वॉश करिए. Bring me a glass of water, मुझे एक पानी का ग्लास लाकर दो. ये आपने रिक्वेस्ट की कि bring me a glass of water. So in these sentences there is no direct subject mentioned. In the subject is implied. यहाँ पे कोई भी direct subject नहीं है, कोई बड़ा sentence नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो subject है वो implied है. कैसे है? जैसे close the door, wash the hands and bring me a glass of water. These sentences mean the following. You can close the door. You should wash your hands. You bring me a glass of water. यहाँ पे अगर हम you लगा देते हैं तो you आपका subject बन जाएगा. So the subject is an imperative sentence is always you, which is implied and not mentioned directly. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसका हमेशा सब्जेक्ट जो है वो यू ही होता है. अक्सर मोस्ट ऑफ द केस में इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यू होगा, क्योंकि उसमें आप किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका यू ही होगा. लेकिन अगर आप उसको इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो यू जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन वो इम्प्लाइड होगा. आप उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वहां पे यू सब्जेक्ट है. अब देखिए, एक्सरसाइज पे आते हैं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज क्या है? मैच द सब्जेक्ट्स विद देयर प्रेडिकेट. जैसे माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स को हमने किससे मैच कर दिया? वेंट टू शिमला बाय ट्रेन. तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो शिमला गए. कैसे गए? बाय ट्रेन से गए. नेक्स्ट क्या है? द बिग रोज बस.
तो द बिग रोज बुश इसको कहां पे आप मैच करके बताइए अर्का, द बिग रोज बुश जो बड़े रोज का बुश है, बड़े रोज का पेड़ जो है, कहां पे इसको करोगे? बताइए मैच करके, आर्टिन, आर्टिन को कहां पे करोगे? द ओल्ड पॉपुलर एंड यू, फिर क्या है? माई मदर एंड फादर, जल्दी बताइए। इसमें मैच करने के लिए हमारे पास क्या है? वन द मैच वॉज हैड बाई हिज सन, आर डॉक्टर्स एंड मैनी हैड मैनी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। तो रोज वाले में क्या आ जाएगा? द बिग रोज बुश यानी कि हैड मैनी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या है? आर टीम, हमारी टीम ने क्या किया? वॉन द मैच, मैच जीत लिया। नेक्स्ट द ओल्ड कॉबलर, ओल्ड कॉबलर का क्या होगा? वॉज हेल्ड बाई हिज सन। फिर यू, यू का क्या होगा? यू शुड गो टू बेड नाउ। नेक्स्ट माई मदर एंड फादर क्या होगा? आर डॉक्टर्स। इसको मैच कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर आइए, देखिए क्या है। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है उसको सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो द ट्रेन वेंट स्ट्रेट इनटू द लॉन्ग टनल। ट्रेन जो थी वो एकदम स्ट्रेट गई है, बहुत लॉन्ग सी टनल थी, लंबी सी टनल में। तो द ट्रेन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इसको सर्कल कर लो और वेंट स्ट्रेट इन द लॉन्ग टनल को आप अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ ड्रामा क्लब वेंट फॉर अ थिएटर वर्कशॉप। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स को आप सर्कल कर लीजिए रिश्ता, और ऑफ द ड्रामा क्लब वेंट फॉर अ थिएटर वर्कशॉप इसको आप अंडरलाइन करेंगे। यू शुड नॉट मेक नॉइज, यू को आप सर्कल करिए, शुड नॉट मेक नॉइज को अंडरलाइन करना है। डू नॉट स्प्लिट स्पिट ऑन द रोड, द रोड को आप सर्कल करिए, डू नॉट स्पिट को अंडरलाइन करिए। सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस प्रिया वोर, तो प्रिया को यहाँ पर आप सर्कल करेंगे और सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस को आप अंडरलाइन करेंगे। अब ऋषिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो ऋषिता, अभी 26 ऑफ जनवरी आ रहा है ना, पब्लिक डे? यस मैम। हाँ, तो एक मिनट, हर्ष भी आ गया है, उसको भी बोल देते हैं, दोनों लोग को साथ में। यस मैम। फोटो वाला काम हो गया है? यस मैम, कर लिए। तो उसको कहाँ पे सेंड करना है पता है ना? स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना? यस मैम। नहीं तो सर को भी कर सकते हो तो कर दीजिए। हर्ष, आपको आवाज आ रही है? हर्ष, कैन यू हियर मी? यस मैम। चलो, 26 जनवरी को आप दोनों को एक एक काम करना है, एक ड्राइंग बनाइएगा अच्छी सी सुंदर सी रिपब्लिक डे के ऊपर, ठीक? Yes, ma'am. सुन रहे हो ना दोनों लोग? हाँ। yes, तो एक ड्राइंग बनाना है सुंदर सी, और एक एक वीडियो बनाना है हिंदी और इंग्लिश बोथ में, ताकि उसमें आप ये बताओ कि आप कोई भी पोयम सुना सकते हैं, पेट्रियोटिक कोई भी पोयम होगी, या फिर कोई कुछ भी सॉन्ग है, या फिर कुछ भी आप स्पीच दे दो, स्पीच या पोयम, ठीक? Yes, ma'am. समझ गया ना? अच्छे से यूनिफॉर्म में वेल ड्रेस्ड होकर अच्छे से उसको तैयार करके बनाइएगा, ठीक? और कब तक सेंड करना है? एक दो दिन में सेंड कर दीजिए, कल कर दीजिए तो कल हो जाए, नहीं तो संडे, ठीक? मैम, स्कूल ड्रेस में करना है? हाँ, स्कूल ड्रेस में एकदम अच्छे से तैयार होकर। अब स्कूल जब हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, तो ड्रेस ही में तो करते हैं ना, स्कूल यूनिफॉर्म में। यस मैम। तो बस वैसे ही एकदम मैम, जैसे वीडियो कॉल पे मैम सर आते हैं, मैम सारे बच्चे आते हैं, मैम गाते हैं, मैम वो हाँ। तो देखिए, हो सकता है वो भी हो जाएगा, वो क्यों नहीं होगा, वो आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा जिस टाइम पे आपको आना होगा, अगर होगा तो सर बता देंगे। लेकिन वीडियो और ये पेंटिंग ये जरूर आपको सेंड करना है।
यस मैम, चाय अभी कर लीजिएगा बनाकर एकदम अच्छे से चाय कर। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ड्रामा क्लब वेंट फॉर अ थिएटर, ये तो हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए पहला वाला लिखा है डैश sang old songs in the bus, तो किन्होंने old song गाया बस में? Students, तो the students sang old song in the bus. Next वाला देखिए shine at night, क्या होगा यहाँ पर? Night में क्या shine करता है? हाँ, the stars shine at night या the moon shine at night, ठीक? हाँ, तो next वाला क्या है? Serves in the army, क्या होगा यहाँ पे? Mem, he army में कौन serve करता है, सेवा कौन करता है army में? Soldier ना, army में the soldier serves in the army. Next देखिए, is covered with needle like leaves, तो the tree is covered with needle-like trees, leaves. Next है, flew and perched on the branches of the tree. क्या होगा यहाँ पे? क्या flew करता है और perched करता है? Tree की branches पर. Bird ना? Yes ma'am. Bird. नेक्स्ट है, सेलिब्रेट इस रिपब्लिक डे, हाँ, एवरी ईयर। मैम एक बार हर वीडियो खोल, मैम एक बार ले ले हर्ष का। यस मैम, लेकिन आपको अपना ही लेना है बेटा, बस हर्ष का नहीं लेना है। आप कर रहे हो क्लास की, हर्ष ने तो अपना ले लिया है। मैम एक बार आप, मैम एक बार आप, मैम इधर, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, क्या बता रहे थे? हाँ, इस कवर्ड विद नीडल लाइक लीव्स ट्री के बारे में है। सेलिब्रेट इस पब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, क्या होगा यहाँ पे? एवरी ईयर। मैम एवरी ईयर इंडिया, इंडिया अपनी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिया में? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेडिकेट्स। अब यहाँ पे प्रेडिकेट करना है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, जो कही जा रही सेंटेंस में बात, वो सेंटेंस को पूरा करना है एक तरह से। द मंकी, जैसे पहला वाला देखिए, द ह्यूज शिप सेल द रफ सीज स्मूथली, बड़ा सा शिप है जो बड़े समुद्र में जा रहा है। तो अब द मंकी के बारे में क्या बोलेंगे आप, बताइए? द मंकी, द मंकी, द मंकी ट्री, नहीं प्रेडिकेट मतलब, और ज्यादा बताओ ना सब्जेक्ट के बारे में। द मंकी क्या करता है? मंकी, द मंकी इज ईटिंग द बनाना, है ना? मंकी बनाना खा रहा है। यू, यू के साथ क्या बनाओगे बताओ जल्दी? यू तो बड़ा इजी है, कुछ भी बना सकते हो इसका प्रेडिकेट। यू, यू शुड नॉट मेक नॉइज। हाँ, यू शुड नॉट मेक नॉइज। द रेड कार, बताइए द रेड कार। The red car is beautiful. हाँ सही है। The people of this locality, क्या होगा यहाँ पे? The people of this locality, are very disciplined, या very noble, है ना? My mother and my aunt, क्या होगा यहाँ पर? My mother and my aunt are going to the market, है ना?
चलिए ये वाला आप लोगों ने नेटवर्क की वजह से हमें लगता है ठीक से क्लास करी है, इसको आप यूट्यूब पर दोनों लोग क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा जो इसका चैप्टर है वो पूरा वीडियो में अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 सब्जेक्ट वर्क और एग्रीमेंट। ठीक चलो थैंक यू बच्चों, बाय 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 मैम।